ना कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, ना कुछ रिप्लाई दे रहे हो मेरे को। अरे ऐसे यार, अब मन नहीं। अभी क्या करने आए हो, पे क्या देने आए हो? मैं कोई बात बात नहीं कर रही, मुझे बता दो क्या काम। तुम बोल रहे हो ना बहुत अर्जेंट काम है, क्या काम है? तो कुछ मैं सॉरी मांगने आया हूँ आपसे, ठीक है? किस बात की सॉरी? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। ट्रस्ट उसके सामने करना था ताकि उसे रिजवान को लगता नहीं कि यार कैसा बंदा है, मतलब कि इसके ऊपर ही भरोसा नहीं है, कैसा जलील कर रहा है। ओरा के सिरा पर नहीं रीच बली है। हेलो गाइस, वेलकम न्यू ब्लॉग। और आज एक फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और आपको जैसे कि पिछले ब्लॉग में पता था कि रिजवान के साथ जा रही थी पुष्कर मेरे से मिलने के लिए, पर मैंने कुछ गलत सोचा तो वो मेरे से बात भी नहीं कर रही। उस टाइम घर पे मैंने छोड़ लिया था, फिर उसके बाद वो मेरे से बात ही नहीं कर रही। फिर मैंने रिजवान से कांटेक्ट किया था तो रिजवान ने मेरे को पूरा क्लियर बताया था कि उसने कहा मैं तुम्हारे पास आने के लिए मेरे से लिफ्ट ली थी। वापस जा रहा हूँ उसके घर की तरफ और सॉरी वॉरी बोलूँगा उससे कि मेरे को माफ़ कर दे, मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम गुस्से में था, क्योंकि वो उसके साथ दिख गई थी मेरे को इसलिए। तो गाइस देखते रहो, ब्लॉग में बने रहो, क्या होता है आज। माफ़ कर दे तो बढ़िया होगा, और नहीं करेंगे तो फिर क्या करें बताओ। मनाना तो पड़ेगा कैसे भी करके, मेरे को उसको मनाना पड़ेगा। तो गाइस बने रहो ब्लॉग में। पहुँच चुके हैं उसके घर के बाहर, तो अभी कॉल मिलाएंगे और बुलाएंगे उसको। तो यहाँ पे छाव भी है, ये उसका घर है, उसको लगाते हैं कॉल। 10 मिनट वेट करने के बाद अंजू आई है। अच्छा हाय, कैसे हो? बस बढ़िया। क्या कोई कांटेक्ट वांटेक्ट कुछ नहीं? ना कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, ना कुछ रिप्लाई दे रहे हो मेरे को। अरे ऐसे यार, अब मन नहीं। अभी क्या करने आए हो, पे क्या देने आए हो? तुम मेरे से पहले बात क्यों नहीं कर रहे हो, पहले ये बताओ मेरे को। क्या करूँ बात करके? तो मेरी क्या गलती? उस दिन मेरे को पता नहीं था, मैं गुस्से में था इसलिए। तुमको इतने भरोसा नहीं है मेरे ऊपर कि तुम किसी और के सामने मुझे इतना बुरा चिल्ला रहे हो, कर रहे हो, तुम मतलब क्या सुनते हो? और तो मुझे उसी चीज़ का कहना, मतलब मेरे को अंदर लगा कि मुझे तो ये बता दो। देखो मैं कोई बात बात नहीं कर रही, मुझे बता दो क्या काम। तुम बोल रहे हो ना बहुत अर्जेंट काम है, क्या काम है? तो कुछ मैं सॉरी मांगने आया हूँ आपसे, ठीक। चिप्स मांग रहा है। किस बात की सॉरी? कहने का मतलब उस दिन मैं आपको वहाँ पे रास्ते में चिल्लाया था रिजवान को लेके। तो मैं जब बोल रही थी कि भाई मैं आपके पास में आ रही थी, तो आपने मेरी बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया? तो उसके लिए तो सॉरी बोलने आया हूँ मैं। ऐसे तो कल को वापस से तुम मैं किसी और के साथ में दिख दूंगी तो तुम वही हंगामा करने खड़े हो जाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और तो बात भी नहीं सुनोगे कि भाई मैं क्या कह रही हूँ? तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, सच में कसम से। नहीं यार ऐसे ही होता है। अभी फिलहाल में कुछ काम है आपको? काम? अब मैं बोल रहा हूँ ना, तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, सॉरी बोलने आया हूँ। मुझे कोई बात नहीं करनी, कोई माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं आपको। ट्रस्ट की बात होती है सब कुछ, ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट तो था ना, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ वापस। ट्रस्ट उसके सामने करना था ताकि उसे रिजवान को लगता नहीं कि यार कैसा बंदा है, मतलब कि इसके ऊपर ही भरोसा नहीं है, कैसा जलील कर रहा है। मेरी बात सुनो, मेरे को लगा उस टाइम, मैंने आपसे सॉरी मांगा था पर आपको छोड़ा। मुझे नहीं पता आप मन में लेके घर पे चले जाओगे, उसके बाद कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखोगे। उस टाइम ही मैंने बोला था मेरे से गलती हो गई, पर आपने कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखा मेरे से, कहने मतलब। तो अभी मैंने रिजवान से वापस कॉन्टेक्ट किया, कहना मतलब कुछ बताया मेरे को क्या हुआ था उस दिन। तो उसने मेरे को बताया था कि उसकी कोई गलती नहीं अंजू की। हाँ तुम, हाँ तो मैंने सोचा कहीं मेरी बात सुनो, कह रहा मतलब आप मेरे से कोई कॉन्टेक्ट रखे तो मैं एक बार पूछूँ तो सही, कह रहा मतलब किस लिए नहीं रख रही हूँ, मैं एक बार रिजवान से पूछूँ भाई क्या उनके बीच में कुछ है तो नहीं, वो तो नहीं, इसलिए मैंने उसको कॉल करके पूछा। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। हद हो गई मतलब यार, मतलब उससे इतना पूछा कॉल करके कि भाई है कि नहीं है, किसके पास जा रही थी। तो मैं आके सॉरी मांग रहा हूँ ना अभी। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो शायद ऐसे ही करती गुस्से में। हाँ तो वो इसीलिए तो मैं सॉरी मांगने आया हूँ तुमसे। हाँ। तुम्हारे घर के बाहर आया हूँ, और तो क्या करूँ, तुम बोलो तो। नहीं नहीं ऐसा कुछ। तुम्हारे पैर पढ़ लूँ? तो फिर कोई जरूरत नहीं, लेकिन आइंदा ध्यान रखना है, सबके सामने इस तरीके से मत बोलना यार। अकेले में चिल्ला लिया करो, जबकि मैं बोल रही हूँ आपको कि भाई ऐसा मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही थी, तुम्हारे पास नहीं आ रही थी तो तुमने चलने में भी बात। तो उसके लिए तो मैं सॉरी मांगने आया हूँ तुमसे। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तुम फिर भी ऐसा ही करोगे बाद में? ऐसा नहीं हो तुम अभी वापस मेरा मन रखने के लिए घर के बाहर आ रखा हूँ, तो ऐसा नहीं तुमको घर से कोई देख ले? यहाँ तक आया तो अंदर भी ले चलो। नहीं, नहीं। क्यों? अंदर तो नहीं लेके चलते, अब यहाँ से ही रवाना हो जाओ। क्या बात कर दी, मैं अकेला जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं भी चल जैसा। हाँ तुमको लेके जाऊंगा ना। कहाँ चलेंगे तुम बताओ, कहाँ चले बताओ? कहाँ चले यार, इतनी गर्मी पड़ रही है।
किसका चलना है बताओ। हाँ तो तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं, एसी लगी हुई होगी। हाँ मेरे को भी धक्के मार के दरवाजे बंद नहीं करते। हाँ ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? और वैसे आज कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं जा रही हूँ, यही होगी। सूट वूट पहन रखा इसलिए? कहीं भी नहीं, बस घर पे ही हूँ। कहाँ जाए इसी गर्मी के? तो तुम्हारा कोई मन नहीं किया कि मैं कांटेक्ट करूँ? मैं मैसेज कर रहा हूँ। मन नहीं किया, एक पर्सन भी मेरा मन नहीं किया कि मैं आपसे बात करूँ। क्या बात कर लेगा जब? हरकत ही ऐसी करी थी। और मैंने कौन सी हरकत ऐसी कर ली? मेरे को मेरी बात, अगर मेरी जगह तुम भी होते तो तुम भी ऐसा ही तो करते। करती लेकिन यार फिर भी यार दिमाग खराब हो गया था मेरा। तो एक बार तो बात कर ही सकते थे तुम। कोई दिक्कत नहीं, अभी कर ली ना आप आए हो तो। हो मैं आया, मैं नहीं आया होता तो नहीं आए होते तो नहीं होती बात। ओ वाह गजब है यार, आप आ गए इसलिए बात हो गई। और फिर चले किधर चले बताओ? कहाँ चलना है बताओ। मैं सोच रहा था अंदर चलो, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया था। थैंक यू। मैं नहीं मानोगे तो फिर एंड में तो बनाना पड़ेगा ना तुमको। अच्छा चॉकलेट भी मेरी फेवरेट है। क्या क्या बात कर दी, 5 स्टार थी। क्या बात कर दी, खाओ फिर लेंगे। या संभाल के रखोगे? नहीं नहीं संभाल के भी कब तक रखूंगी, पिघल ही जाएगी वो। नहीं नहीं फ्रिज में रख लेना ना अंदर। नहीं नहीं अभी खा लेंगे। तो किधर चले बताओ आगे? चलते किधर ना किधर तो चलते हैं। कहाँ पे? आप जहाँ लेके चलो। पुष्कर लीला सेवड़ी चले। क्या बात कर इतनी धूप में जाओ, तुम गिरा रहे हो अभी से। सॉरी सॉरी सॉरी, पर उस बात को लेके मेरे को भी सच में कुछ फील हुआ था। मैंने बोला यार मैंने कुछ ज्यादा कर दिया उस दिन में। हाँ यार वो ही तो कुछ ज्यादा ही हो गया था उस दिन, इसे मेरे को अकेले छोड़ के चली गई, मेरे पास में किराए के भी पैसे नहीं थे। हाँ तो कहने मतलब घर से निकलते हो तो लेके निकला करो ना। ऑनलाइन है ना? ऑनलाइन है। हाँ तो ऑनलाइन चल जाती ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ऑनलाइन ऑनलाइन बस वाला नहीं लेता है ना। किसने कहा नहीं लेता? मेरे से तो नहीं लेता है वो। तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेते उस टाइम बस में बैठने के बाद में आ जाता। सही है, ऐसा तो टाइम था, ऐसी सिचुएशन थी कि तुम्हारे से कांटेक्ट करती हूं। हाँ तो रिजवान ने कुछ बोला तो नहीं उसके बाद तुमको? नहीं, मैं उससे मिला हिला था तो कुछ नहीं बोला, उसका कॉल ही नहीं आया मेरे पास, मैं क्या बोलेगा। तो ठीक है फिर चलते। हाँ, किधर? इधर ही चले या इधर चले? किधर चलना है चलते? तुम बताओ किधर चले, जिधर भी आप लेके चलो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। चलते हैं। चलो ठीक है बैठो चले। क्या पता तुम्हारे बैठने से क्या क्या खराब हो रहा है इस टाइम में। तो इसका मतलब तुम पहले से प्लान बना रखे थे कि जाना बाहर है ना? क्या बात कर रही। हाँ तो तुमको लगा इस बार घर के बाहर आएगा तो जाना ही पड़ेगा। तो गाइस कहने मतलब अंजू को मना लिया है। अंजू को मना के लेके निकल चुका हूँ। अभी ये बोल रही पुष्कर जाना था, वहाँ जाना था। अब ये पार्क कौन सा है तो इधर देखता हूँ, इधर अंदर जाने के लिए। क्या करें अंदर जाए या नहीं? इधर चलते ना। कहाँ पे? कहीं ना कहीं तो चलती है। हाँ तो क्या अंदर चले या धूप में? धूप में धूप में तो पुष्कर जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं इस टाइम में। पर एक बात ये कंफर्म बताना ठीक है ना, मन में अभी कुछ है तो नहीं तुम्हारे? कुछ नहीं है, तभी तो आई हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का, कुछ नहीं है तभी आई हूँ। हाँ बाकी हो तो बता देना मेरे को ठीक है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलो फिर कहाँ चलते हैं, अंदर चले? हाँ चलते किधर? या पुष्कर ही चले? देख लो अब आपके हिसाब से किधर चलना है। या वाटर पार्क चले? हाँ वाटर पार्क तो नहीं चले, इधर चल चलो। अरे इधर ले लो अपन, कहीं ना कहीं चाय खड़ी हुई ना, वहाँ पे बैठ जाएंगे छाया में थोड़ी सी देर। चाय पे तो वो है ऐसी चाय की थड़ी नहीं, और शायद वो छोटू तुमको जानता होगा। मुझे क्यों जानता होगा वो? पूछूं मैं उसको जाके? नहीं पूछूं मैं, चाय पीनी हो तो पूछूं मैं उसको, तुमको चाय पीनी हो तो।
चाय पीनी तुमको? अरे तुमको वैसे यहाँ की चाय, घर वाले आ गए इधर तो दिक्कत हो जाएगी यार, समझ नहीं रही। तो घर वाले को बोल देना ना। क्या बोल दूंगी घर वाले की, यहाँ क्या कर रही है? घूमने आई हो फ्रेंड के साथ? बहुत अच्छी जगह है घूमने। तो ये अंदर क्या बना रखा है? पता नहीं यार, ऐसे ही बाबू। ये अंदर क्या बना रखा है? ये गांधी गार्डन। गांधी गार्डन तो इसमें जाने का रास्ता किधर है? ये यहीं से 5 बजे खुलेगा। अभी बंद है? 5 बजे खुलेगा ये तो। ठीक है तो फिर अब क्या करें? अभी तुमको पुष्कर लेके जाता हूँ मैं, चले पुष्कर। तो ठीक है गाइस, अभी पुष्कर के लिए निकलते हैं। आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, फिर पुष्कर में जाके बताते हैं तुमको।